अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। क्यों दिल्ली सरकार के लिए आफत बनी शराब नीति। ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले मामले में यह सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 13 महीने और आप नेता संजय सिंह 6 महीने से जेल के अंदर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे कार्रवाई की। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 13 महीने और आप नेता संजय सिंह 6 महीने जेल में हैं। केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सोरेन ने ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने कोर्ट से यह भरोसा मांगा था कि अगर वो पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगेगी। दरअसल शराब नीति केस में केजरीवाल को 9 समन जा चुके थे, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। खैर, मामला क्या था जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई वो आपको बताते हैं, उसके बाद और डिटेल भी आपको इस मामले में देंगे। दरअसल मामला क्या था ये फटाफट से बताते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट ये हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन ये पॉलिसी दिल्ली सरकार के लिए आफत बन गई। दरअसल शराब घोटाला का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया, यानी फायदा पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार पर आरोप लगा कि सरकार की नई नीति से राजस्व में भारी कमी हुई। पहले जहां 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, उस बोतल का रिटेल कारोबारी को 33 रुपए 35 पैसे का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपए 89 पैसे उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। इस हिसाब से सरकार को हर एक बोतल पर 329 रुपए 89 पैसे का फायदा होता था। सरकार की नई नीति आने के बाद 750 ml की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया। इससे रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33 रुपए 35 पैसे से बढ़कर सीधे 363 रुपए 27 पैसे पहुंच गया, यानी देखिएगा 33 रुपए से बढ़कर 363 रुपए, यानी रिटेल कारोबारियों को सीधे 10 गुना का फायदा होने लगा। फिलहाल इस मामले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, संजय सिंह आपके राज्यसभा सांसद, विजय नायर आप कम्युनिकेशन विंग के हेड, के कविता बीआरएस नेता, राघव मंगूता साउथ ग्रुप के सदस्य, गौतम मल्होत्रा अकाली दल के पूर्व MLA के बेटे, समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट के मालिक, अमित अरोड़ा वडी रिटेल के मालिक, पी शरद रेड्डी अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर, अभिषेक बोनपल्ली साउथ ग्रुप के सदस्य, बूची बाबू गोरंटला के कविता के पूर्व सीए, बिनोय बाबू रिकॉर्ड इंडिया का क्षेत्रीय प्रमुख, राजेश जोशी डायरेक्टर चैरियट प्रोडक्शन, दिनेश अरोड़ा रेस्टोरेंट चैन का मालिक। फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हुई है।
मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का वो चेहरा है जो उसकी पहचान या उससे भी बढ़कर है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ईडी ने दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद लोकसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। खैर, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।